यहाँ पे देखिए ना, स्क्रीन की तरफ देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स। सबसे पहले इसका मल्टी लेयर टेक्स्ट देखेंगे हम। तो इस सटायर इज इंस्पायर्ड बाय हिज हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड। मैंने आपको बताया था कि स्विफ्ट इधर सटायर उसने ह्यूमन नेचर को किया, हम इधर ह्यूमन नेचर पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे समझ लें कि एक इंसान का ट्रेवल है फ्रॉम कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस टू इनर कॉन्शियस। ठीक है, सबकॉन्शियस वो चीज होती है जो हमें पता नहीं होती, हमारे ड्रीम्स में आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है उस पर आपको बड़ा गुस्सा है, वैसे आप उसको रियल लाइफ में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो ड्रीम्स में आप उसको डांटना शुरू हो जाते हैं। होता है कभी किसी के साथ हुआ? अक्सर होता होगा। दैट इज योर सबकॉन्शियस कि आप जो जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। एक होता है इनर कॉन्शियस। इनर कॉन्शियस जो है, इंसान उस वक्त इनर कॉन्शियस या अंदर के इंसान को तब वो ढूंढता है जब वो एक एक्सपीरियंस से गुजरता है, जब वो एक प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरता है, फिर वो अपने अंदर के इंसान को पहचानता है। वहां पे उसको पता चलता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ और मैं कितना बुरा हूँ। ये उसी एक इंसान की कहानी है, फ्रॉम सबकॉन्शियस, फ्रॉम कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस टू इनर कॉन्शियस। अब आगे, हिज रिडिकुलस जोक्स अपीयर वेरी सीरियस। द नॉवल इज द इमेजिनेशन ऑफ स्विफ्ट, अ फुली फिक्शनल वर्ल्ड, बट द रियल इंटेंट इज डिफरेंट। द सोसाइटी सीम्स अनरियल विद इट हैज अ मैजिक मिरर। द नॉवल कैन बी रीड एज द मोस्ट पावरफुल अटैक एवर मेड अगेंस्ट मैन विकेडनेस एंड मेरे ख्याल नीचे भी कुछ था एंड स्टुपिडिटी। गुलिवर्स वॉयस टू लिलीपुट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक टेक अस टू द लैंड ऑफ पिग्मीज। ठीक है, बोनों की दुनिया में पहले हम चले जाएंगे। और अभी हमने मूवी के अंदर भी देखा कि वो लैंड ऑफ पिग्मीज में चला जाता है, बोनों की दुनिया में चला जाता है। अ लैंड दैट बियर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू इंग्लैंड, लिलीपुट इज अ मिनिएचर empire with a little monarch who entitled himself as the light and terror of the universe. एक ऐसी monarch में वो लिलीपुट, एक ऐसी empire में वो चला जाता है जो कि अपने आप को entitle करते हैं, जिनको अपने ऊपर बड़ा नाज होता है, as the light and terror of universe, कि जैसे वो दुनिया के लिए एक terror है। So it describes the life and customs of the Lilliputians court. वो फिर आपको Lilliputians के court की life के बारे में बताएगा। So if actually ये पूरे चारों voyages में कुछ कहानी सुना रहा है आपको। Highly remindful of the picture he had seen in London, और वो जो है highly remindful है of the picture जो कि वो लंदन में देखता है। उसके बाद है the major attendance is the size. It emphasizes the physical part. ठीक है, सबसे ज्यादा जो है डिफरेंस जो था वो मेजर डिफरेंस जो था वो था उसका साइज, यानी कि वो बोनो की दुनिया में एज अ जाइंट चला गया था। तो यहाँ पे उसकी फिजिकल पावर को वो जो वहाँ की जो हुकूमत है वो किस तरह यूज करती है, लेट्स सी। अभी हमने मूवी में वो भी देखा। गुलिवर्स लर्न्स अबाउट द रोप डांसिंग स्किल एंड द सिलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। The would-be officers jump from through the hoops to get the position in the king's court. This is arbitrary and ridiculous. When a great office is vacant either by the death or disgrace, which often happens, five or six of those candidates petition the emperor to entertain his majesty and the court with a dance on the roof. And whoever jumps the highest without falling succeeds in the office. अब यहाँ पे गुलिवर्स आपको क्या बता रहा है? वो कहता है जब एक ग्रेट ऑफिस जो है वो खाली होता था आइदर बाय डेथ और डिस्ग्रेस, यानी कि एक हाई पोस्ट जो है, एक ऑफिशियल पोस्ट जब खाली होती थी, या तो उसको निकाल दिया जाता था या उसकी डेथ हो जाती थी, मतलब किसी तरीके से भी, तो क्या होता था? Which often happens, ये अक्सर होता रहता था, यानी कि ये जो ऊपर की कुर्सी होती है ना, इससे अक्सर लोग उनको फायर किया जाता रहता। तो फाइव और सिक्स ऑफ दोस कैंडिडेट्स पिटीशन द एम्पायर, तो उनमें से पांच या छह कैंडिडेट्स जो होते थे वो एम्पायर को खुश करने के लिए क्या करते थे, मतलब टू एंटरटेन हिज मेजेस्टी, अपने मेजेस्टी को
जो है वो यानी कि अपने एम्पायर को खुश करने के लिए कुछ पिटीशन वो करते थे, कुछ पिटीशन कुछ बेवकूफाना हरकतें करते थे, जैसे अक्सर लोग जो है वो बटरिंग करते हैं अपने मास्टर्स की मैजेस्टी एंड द कोर्ट, ठीक है, तो वो क्या करते थे, एंटरटेन करते थे मैजेस्टी यानी कि बादशाह को और उसके कोर्ट को विद अ डांस ऑन द रोप, रोप के ऊपर वो डांस करते थे, वही वो जब पांच या छह कैंडिडेट्स होते थे एंड हु एवर जंप्स द हाईएस्ट, और जो सबसे ऊंची छलांग लगाता था ना विदाउट फॉलिंग सक्सीड्स इन द ऑफिस, तो जो बगैर जो है जंप मतलब गिरे हुए सबसे ऊंची जंप करता था तो वो जो है सक्सीड हो जाता था अपने ऑफिस में. तो वेरी ऑफन यानी कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाई ऑफिशियल्स को खुश करने के लिए जो एक सीट ही खाली होती है या पॉलिटिकल एक्चुअली बैकग्राउंड में ये सारी बात बताई जा रही है कि एक हाई कोर्ट के अंदर या एक बादशाह के इवन कोर्ट के अंदर भी ये काम होते हैं कि बादशाह को खुश करने के लिए जो सबसे ऊंची छलांग लगाता है यानी कि जो बादशाह को सबसे ज्यादा खुश करता है वो उस वेकेंट सीट का या वो जो ऑफिस का मालिक करार पाता है, रादर देन कि जो मोस्ट टैलेंटेड होता है या मोस्ट एलिजिबल होता है उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता था, जिससे बादशाह सबसे ज्यादा खुश होता था, जिससे कोर्ट सबसे ज्यादा खुश होता था उसको सेलेक्ट किया जाता था. और ये आज की दुनिया में भी हो रहा है, एलिजिबिलिटी नहीं देखी जाती, प्रोफेशनलिज्म नहीं देखी जाती, बल्कि क्या होता है हम जो है एक पर्सनल जो आपकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होती है वो हाई ऑफिशियल्स में काउंट हो रही होती है और उन्हीं को फिर वो सीट दी जाती है. वेरी ऑफन द चीफ मिनिस्टर्स देमसेल्व्स आर कमांडेड टू शो देयर स्किल्स, इवन के वो जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो भी अपनी स्किल्स दिखाते थे एंड टू कन्विंस द एम्पायर के वो एम्पायर को कन्विंस करें दैट दे हैव नॉट लॉस्ट देयर फैकल्टी, कि उन्होंने अभी तक अपनी फैकल्टी लॉस नहीं की, यानी कि बादशाह के अंडर जो चीफ मिनिस्टर्स भी थे ना वो भी बादशाह को खुश करने के लिए कुछ ऐसी वैसी हरकतें करते थे, यानी कि डांसिंग ऑन द रोप, मतलब एक इंसान को हंसी आ जाती है कि और दैट इज अ सटायर, ह्यूमरस वे में उसने सटायर किया है कि इंसान जो है जब उसने अपना मकसद पाना होता है तो वो किस तरह से हाई ऑफिशियल्स की चापलूसी करता है. ठीक है, आगे चलते हैं. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्पायर द कोर्ट एंड द मिनिस्टर्स ऑफ लिलीपुट गिव अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द इंग्लिश पॉलिटिकल लाइफ अंडर जॉर्ज वन, अ पिक्चर विच ऑल दो सीन थ्रू आवर टेलीस्कोप लॉसेस नन ऑफ इट्स एसेंशियल फीचर्स द करप्शन ऑफ मिनिस्टर्स. बेटे ये सारी चीजें अब आपने इसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से करप्शन ऑफ मिनिस्टर्स, द कोर्ट इंट्रीग्स एंड फेवरेटिज्म, द स्क्वैबल्स ऑफ विग्स एंड द टॉरीज ओवर ट्रिपलिंग डिफरेंस इन पॉलिसी, द डेमेगगी ऑफ द रिलीजियस स्लोगन्स एंड मेनी अदर्स. यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्पायर है, कोर्ट है और मिनिस्टर ऑफ लिलीपुट, वो आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर देंगे. अभी हम लिलीपुटियंस की अपने मूवी देखी ना, हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि वो आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर देते हैं ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल लाइफ अंडर जॉर्ज वन. ठीक है, जॉर्ज वन के अंडर जो इंग्लिश पॉलिटिकल लाइफ थी उसकी एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहे हैं लिलीपुटियंस कि वो किस तरीके से पावर को इस्तेमाल करते थे अपने मकसद के लिए, और जब वो कोई भी ऐसा इंसान जो उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया होता था, लेकिन बाद में जब गुलिवर्स को क्या बताया जाता है कि ये सब तुम्हें मारने के चक्कर में इसलिए यहाँ से भाग जाओ, तो लिली जो गुलिवर्स होता है वो किसी ना किसी तरह, हालांकि उसने उस स्टेट के लिए बहुत कुछ किया होता है, लेकिन फाइनली उसको वहां से भागना पड़ता है. अ पिक्चर विच ऑल दो सीन थ्रू अ टेलीस्कोप लॉसेस नन ऑफ इट्स एसेंशियल फीचर, ये वो पिक्चर है जो कि टेलीस्कोप के जरिए देखी जाती है, लॉसेस नन ऑफ इट्स एसेंशियल फीचर, जिसने अपने कोई एसेंशियल फीचर्स को लॉस नहीं किया, ना तो करप्शन ऑफ मिनिस्टर्स को, ना ही कोर्ट इंट्रीक्स को, कोर्ट की आपस की वो जो चालबाजियां होती हैं, ना फेवरेटिज्म को, द स्कैबल्स ऑफ द विग्स एंड टॉरीज. देखिए अब अगर पाकिस्तान के हिसाब से बात की जाए तो हम कहेंगे कि जी डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो आपस में टसल्स चल रही होती है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे गुलिवर्स आपको हाईलाइट करेगा और आप यहाँ से अभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं. और आई विल टेल यू कि किसी किस तरीके से इन पॉलिटिकल पार्टीज और थ्रू मीडिया हम अवाम की जो माइंड्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है.
और उनको एक पॉइंट के ऊपर लेके आया जाता है, चाहे ये नहीं देखा जाता कि ये चीज मुल्क के मफाद में है या मुल्क के टोटली अगेंस्ट है, बल्कि इंसान की पूरी अवाम को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है थ्रू मीडिया, थ्रू राइटर्स। ये तो एक राइटर ने लिखी है ना कहानी, आज के दौर में वही काम मीडिया कर रहा है। ये जब गुलिवर्स ट्रेवल्स एंड होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता था, और इसकी वजह से, इसी गुलिवर्स ट्रेवल्स की वजह से जो है क्वीन एनी जो है वो गुलिवर स्विफ्ट से नाराज भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्कैबल्स ऑफ विग्स एंड टॉरीज ओवर ट्रिफलिंग डिफरेंसेस इन पॉलिसी, माइनर पॉलिसी के डिफरेंसेस से ये जो विग्स और टॉरीज दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थी ये आपस में लड़ना शुरू कर देती थी। माइनर द डिमैगरी ऑफ रिलीजियस स्लोगन्स, और जो है ये जो रिलीजियस स्लोगन्स हैं उनकी डिमैगरी, जैसे अभी पिछले दिनों हमारे मुल्क में भी कुछ रिलीजियस लोग जब एकदम से वो भी नहीं देखते और एकदम से सड़कों पे निकल आते हैं और क्या होता है पूरे मुल्क का तबाह, तो ये एक्चुअली ये वही सारी चीजें, ये इसके बैकग्राउंड सिनेरियो में आपको सारी ये चीजें नजर। दैट इज नॉट ओनली अ स्टोरी, दैट इज बेसिकली द सटायर ऑन ह्यूमन नेचर, दैट इज अ सटायर ऑन कोर्ट लाइफ, दैट इज अ सटायर ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, और एक और सटायर ये है कि हम अवाम किस तरीके से इन लोगों के हत्थे चढ़ते हैं, वो भी अभी आपको समझ आ जाती है सारी। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन इन न्यू क्लासिकल एज, इस स्टोरी के अंदर आप न्यू क्लासिकिज्म भी पढ़ेंगे। न्यू क्लासिकल एज में क्या हुआ था, न्यू क्लासिकिज्म represented a reaction against the optimistic, exuberant and enthusiastic renaissance view of man as a being fundamentally good and possessed of an infinite potential for spiritual and intellectual growth. Neoclassical theorists by contrast saw man as an imperfect being, inherent sinful, whose potential was limited. Neoclassicism kya represent karta hai, neoclassicism ek reaction tha against optimistic, ऑप्टिमिस्टिक किसे कहते हैं, पॉजिटिविटी को, ठीक है, रियल, और पैसिमिस्टिक किसे कहते हैं, नेगेटिव सोच को। तो ऑप्टिमिस्टिक एक रिएक्शन था अगेंस्ट द ऑप्टिमिस्टिक एग्जुबरेंट एंड एंथुसियास्टिक रेनेसां व्यू ऑफ मैन। ये जो रेनेसां व्यू ऑफ मैन था ना कि इंसान जो है एज बीइंग फंडामेंटली गुड एंड पोजेस्ड ऑफ एन इनफिनिट पोटेंशियल फॉर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, रेनेसां में एक सोच आई थी कि इंसान जो है, मैन जो है, वो फंडामेंटली गुड है, उसके अंदर इनफिनिट पोटेंशियल है फॉर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। किस चीज को वो पोजेस करता है, एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसके अंदर, यानी कि इंसान को टोटली समझा गया कि नहीं, इंसान सब कुछ कर सकता है, इंसान गुड है, उसके अंदर इनफिनिट पोटेंशियल है, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी है। ये सारी मतलब एक सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही देखे गए कि वो बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर सकता है, वो डिस्कवरीज कर सकता है, उसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये सारी चीजें। लेकिन न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बाय कंट्रास्ट सॉ मैन एज एन इम्परफेक्ट बीइंग, कि ये कहते हैं कि नहीं, इंसान जो है वो इम्परफेक्ट बीइंग है और ये गलती का पुतला है, इनहेरेंटली सिंफुल, इनहेरेंटली सिंफुल है, यानी कि इंसान की जो नेचर है उसके अंदर सिन रख दिया गया, तो हुज पोटेंशियल वाज लिमिटेड, और उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत लिमिटेड है, यानी कि इंसान को जब पार दी जाती है, अगर तो इंसान गुड है तो क्या वो फिरौन बनेगा, लाइक अभी लिलीपुटियंस की हमने कहानी पढ़ी है, तो क्या उन्होंने गुलिवर्स को अपनी पार के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि वाकई इंसान जो है वो इम्परफेक्ट बीइंग है या वाकई इंसान जो है वो इतना गुड और इन पोटेंशियल इनफिनिट पोटेंशियल्स का मालिक है कि वो हर चीज अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है और सिर्फ दूसरों के लिए फायदा कर सकता है, दूसरों का नुकसान नहीं कर सकता। हालांकि हमने तो ये देखा है कि साइंटिफिक रिसर्चेस के बाद इंसान का नुकसान ही हुआ है, फायदा तो कोई भी नहीं हुआ। ऐसे ही ये जो हमारे वेपन्स ईजाद हुए हैं, तो क्या उससे हमने अपने मुल्कों को सिर्फ बचाया है या बाकी मुल्कों को भी तबाह किया। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि हम पार को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो पार को किस तरह इस्तेमाल करता है। उसके बाद है गुलिवर इज टाइल्ड अप, फर्स्ट जो उसका
जो वॉइस था उसमें हम देखते हैं कि गुलिवर्स जो है उसको बांधा हुआ होता है उन्होंने. दिस शोज फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स ऑफ लिलीपुटियंस. ये लिलीपुटियंस की जो है फ्यूटाइल यानी कि ऐसी एक फ्यूटाइल यानी कि फजूल सी एक उनकी अटेम्प्ट थी कि वो उन्होंने एक जाइंट को रस्सियों से बांधा हुआ था. हालांकि गुलिवर तो खुद देख कितना बड़ा जाइंट था, कभी भी रस्सियां तोड़वा देता. दे आर अनअवेयर ऑफ देयर इनसिग्निफिकेंस और उनको अपनी इनसिग्निफिकेंस के बारे में वो अनअवेयर थे. मैंने कहा था कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको अपनी खामियां पहचानना बहुत जरूरी है. और क्योंकि हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है दैट्स वाई हम अपनी इनसिग्निफिकेंसेस को पहचान नहीं सकते. तो ये जो लिलीपुटियंस एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट कर रहे थे इतने बड़े जाइंट को जो है इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने जाइंट को टाई अप किया हुआ था, वो उनको नहीं पता था कि मतलब उनके अंदर ये ताकत है ही. दे आर इन इल्यूजन दैट दे हैव कंट्रोल्ड गुलिवर और उनको बड़ा फखर था, वो इस इल्यूजन में थे कि जी हमने तो इतने बड़े जाइंट को पकड़ लिया. ठीक है, विद देयर स्विफ्ट शोज ह्यूमैनिटीज प्रीटेंशंस टू पावर एंड सिग्निफिकेंस. अब यहाँ भी क्या स्विफ्ट बता रहा है कि ये ह्यूमैनिटीज प्रीटेंशंस हैं. हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हमारे पास पावर है, वी आर मच सिग्निफिकेंट और हम अपनी इम्पोर्टेंस शो कर रहे होते हैं दूसरे लोगों को कि देखो जी हमारी भी कोई इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, ऐसा है. और दीज आर फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स. कहती हूँ ना मैं बेटा अपनी जिंदगी से ऐसी चीजें निकाल दें जिसकी वजह से आपका क्रिएटिविटी लेवल कम होना शुरू हो जाता है. ये वो इनसिग्निफिकेंट हमारी ये इनसिग्निफिकेंस है कि वी आर नॉट सेल्फ अवेयर पर्सन. हमें एहसास भी नहीं है कि हमारे अंदर ये ताकत नहीं है और हम प्रिटेंड करते हैं हमारे पास जो नहीं है हम वो लोगों को प्रिटेंड कर रहे होते हैं करते. तो यहाँ पे वही पावर और वही सिग्निफिकेंस और कुछ नहीं. जिसके पास नहीं है उसने शादी पे बहुत अच्छा जोड़ा तो पहन के जाना होता ताकि लोगों को पता चले मेरे पास पैसा कितना है. ऐसे अच्छा पहनना अच्छा ओढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. बट अगर आप प्रिटेंड कर रहे हैं तो फिर उसमें गलत बात. ठीक है, अच्छा ओढ़ना अच्छा पहनना बुरी बात नहीं है, प्रिटेंशन गलत है. ठीक है, उसका इस्तेमाल गलत है. गुलिवर्स एंजॉयमेंट बीइंग अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड. और गुलिवर्स जो है वो ऐसे था जैसे एक बड़ी फिश हो एक छोटे से पॉन्ड के अंदर. आगे चलते हैं. लिलीपुटियंस क्या करते हैं भाई गुलिवर्स के साथ, अभी मूवी में देखा हमने. लिलीपुटियंस ट्राई टू ब्रिंग गुलिवर्स टू देयर हील इज रिडिकुलस बिकॉज गुलिवर कैन किल देम सिंपली बाय वॉकिंग. गुलिवर्स को जो है वो अपनी जो है देखिए यहाँ पे गुलिवर कैसे खड़ा हुआ और वो उसको किस तरीके से कि कहीं वो उसके बाय वॉकिंग वो उसको किल ना कर दे. तो यहाँ पे देखें गुलिवर्स अपनी हील्स के ऊपर कैसे मतलब चल रहा है और वो नीचे देखें वो किस तरीके से कि कहीं हम किल ना हो जाए तो वो गुलिवर के नीचे से गुजर रहे हैं. द लिलीपुटियंस टीचेस गुलिवर्स देयर लैंग्वेज. उन्होंने उसको अपनी यहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज बता रहे हैं उसको. हियर स्विफ्ट इज मॉकिंग एट द ह्यूमैनिटीज बिलीफ इन इट्स ओन इम्पोर्टेंस. गुलिवर्स ट्राइज टू कम्युनिकेट इन ऑल लैंग्वेजेस व्हिच ही नोज. अब यहाँ पे जो है स्विफ्ट जो है वो मॉक करता है इंसान के बिलीफ पे, उसके ईमान पे, उसके डिफरेंट अकायद पे जो कि उसकी अपनी इम्पोर्टेंस. हम डिफरेंट लैंग्वेजेस क्यों सीखते हैं? जस्ट फॉर सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए. ठीक है, हम नॉलेज के लिए कम सीखते हैं. मैंने कहा ना एक होता है लस्ट फॉर नॉलेज, एक है शऊरी इल्म कि मुझे अपने आप को बदलना. दोनों में बेटा फर्क होता है. थोड़ा इल्म सीख लें लेकिन अगर एक इल्म आपको बदल नहीं सका ना अंदर से तो यकीन करें उसका कोई फायदा नहीं. सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए इल्म ना सीखिएगा, इज्जत तो वैसे ही अल्लाह दे ही देता है. आपका किरदार जो है ना वो आपकी इज्जत करा रहा होता है, आपका इल्म आपकी इज्जत नहीं कराता. ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं. अच्छा फिर आगे हम चलते हैं. गुलिवर्स बिलोंग गुलिवर्स बिलोंगिंग्स आर टेकन अवे बाय देयर लिलीपुटियंस. लिलीपुटियंस उसकी सारी बिलोंगिंग्स ले लेते हैं एंड ही इज फोर्स टू साइन अ डॉक्यूमेंट. इन द डॉक्यूमेंट ईच वर्ड एम्फसाइजेस गुलिवर्स पावर, ऑल इज मीनिंगलेस एंड कॉन्ट्रडिक्टरी. ठीक है, सारी वो उससे फॉर सिक्योरिटी उससे सारे जो है कागजात साइन कराए जाते हैं लेकिन सारे मीनिंगलेस और कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं. देखिए हम कितनी फजूलियात में अपना वक्त गुजारते हैं. द किंग इज डिवाइडेड इन टू टू फ्रैक्शन.
Tremexen and kingdom जो है वो दो affections में बटी हुई होती है. Tremexen and Slamexen. The people are distinguished by their height of their heels. ठीक है. लोग जो हैं वो distinguish हो रहे होते हैं उनकी height of heels की वजह से. The emperor belongs to the low heels. Emperor जो है वो low heels से belong करते हैं. The fear of Blefuscu. Red Riesel says that Blefuscu is the other great emperor of the universe. और Red Riesel ने ये कहा था कि Blefuscu जो है वो एक वो जो है is the other great emperor of the universe. वो जो है दूसरा great emperor है universe का. Lilliputians don't believe in the existence of their world, nation, human race. और जो Lilliputians हैं उनको नहीं अंदाजा था in the existence of other world, बाकी दुनिया का. वो समझते थे कि हमारी ही कौम है जो सबसे आला है, हमारी ही जो एम्पायर है वो सबसे ज्यादा जो है शायद इस दुनिया में सबसे ताकतवर हम लोग ही हैं. तो उनको नहीं पता था कि दुनिया में और भी ह्यूमन रेस है, नेशन है या कोई और भी एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में. सो दे थिंक दैट गुलिवर्स बर्थ इज एन अननेचुरल. तो इस वजह से वो गुलिवर्स की बर्थ को अननेचुरल समझते थे. He is drawn from the moon or the stars. और वो ये समझते थे कि शायद ये moons और stars से आया है. यानी कि उनको अपने आप पे इतना नाज था कि उनको लगता था कि हमारे अलावा शायद दुनिया में कोई exist नहीं करता. तो Gulliver's को वो as an alien treat कर रहे थे. A contradictory thing is that Gulliver had become fully aware of that there was no essential difference between them, and that actually both of them were driven by the same selfish interest. So it ridicules the religious conflict over matter of rights and doctrine between Protestants and Roman Catholics. So it jo hai wo ridicule karta hai ye religious conflicts ko. Har jagah religious conflicts hote hain, theek hai. So over matters of rights and doctrine between Protestants and Roman Catholics. Wo jo unke matters of rights or doctrine the, doctrine but religious disputes ko या रिलीजियस जो रूल्स एंड लॉज होते हैं उनको डॉक्ट्राइन कहा जाता है. मजहबी उमूर जो है ना उसको हम कहते हैं कि जी ये राइट्स एंड डॉक्ट्राइन हैं बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड रोमन कैथलिक्स. ठीक है. प्रोटेस्टेंट एंड रोमन कैथलिक्स जो हैं ये क्रिश्चियंस के दो फिरके हैं. ठीक है. अब इन दोनों में सदियों से जो है ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट रहा है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा माजी में पास में बहुत ज्यादा खून भी बहा है. अब यहाँ पे वो उसी रिडिक्यूल करता है उसी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को. स्विफ्ट रिडिक्यूल्स द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट सॉरी एंड व्हिच हैज कॉज्ड सो मेनी वॉर्स. और इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा वॉर्स हुई हैं. गुलिवर्स इज इनफॉर्म्ड अबाउट द रीजन ऑफ द वॉर. इट वॉज अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ एन एक्ट. ये जो आप लिलीपुटियंस की दुनिया के बारे में आप पढ़ेंगे वहां पे आपको जो है आपको रीजन ऑफ वॉर के बारे में गुलिवर आपको इन्फॉर्म करेगा कि इट वाज अबाउट द ब्रेकिंग एन एग. एक अंडे को तोड़ना था. अंडे की दो साइड होती हैं, एक थोड़ी सी मोटी होती है एक थोड़ी सी जो है वो ऊपर से एक टिप बनी होती है. अब इनमें डिस्प्यूट ये था दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में कि अंडा जो है वो ऊपर वाली साइड से तोड़ा जाए या नीचे वाली साइड से तोड़ा जाए. हालांकि तोड़ना तो अंडा ही है. ठीक है. तोड़ना तो अंडा ही है. तो एक्चुअली वो ये बात कह रहा था कि चलाना तो जब मुल्क ही है तो फिर ये डिस्प्यूट्स कैसे. अंडा ऊपर से तोड़े अंडा नीचे से तोड़े बात तो एक ही है. लेकिन उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्प्यूट्स इतने ज्यादा थे कि वो कहते थे जी अंडा. एक कहता था नहीं अंडा ऊपर से टूटेगा, दूसरा कहता था नहीं अंडा नीचे से टूटेगा. तो वो जो है आपको रीजन ऑफ वॉर बताएगा कि सिर्फ एक अंडे की खातिर जो है एक जंग हो गई. लिलीपुटियंस आर्ग्यूड that all the true believers shall break their eggs at the convenient end. Aur Lilliputians jo hai wo argue karte hain ki jitne bhi true believers hain, ab dekhiye hum har cheez mein religion ko beech mein le aate hain. Ek anda todna hai to wo kehta hai ki jitne bhi true believers hain na wo jo hain ande ko at the convenient end jo hai wahan se break karenge. Here the convenient end could be interpreted as the small end. Aur wo kehte hain ki ji wo jo convenient end hai wo small end hai. Or people choose death rather than to surrender. Gulliver catches the ship at Blefuscu port. The war ended. Or फिर Gulliver जो है वो Blefuscu port में चला जाता है और war end हो जाती है.
It may sound silly for the readers, but Gulliver's reaction is very serious because he relates the conflict with the European history. The high heels and low heels, a core dispute, two parties correspond to the Whigs and Tories of English politics. High heels or low heels, kin do parties ko represent kar rahi thi? Whigs or Tories ko of English politics. English politics mein jo Whigs or Tories ke darmiyan jo disputes tha, usko wo show kar rahi thi. ये एक पिक्चर है लिलीपुट एंड ब्लिफेस्को रिप्रेजेंट इंग्लैंड एंड फ्रांस यहाँ पे लिलीपुट और ब्लिफेस्को रिप्रेजेंट